मेरा नाम सैयद अफशीन है। मैं मास कम्युनिकेशन में पीएचडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और मैं जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में लेक्चर। मेरा जो स्टार्टअप है इसका नाम है कैच द ट्रैश, और जो प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट में फोकस किया जा रहा है वो है प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि तकरीबन 65 से 70% प्लास्टिक, और वो पाकिस्तान में एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी वजह बन जाता है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कैच द ट्रैश ने इको ब्रेक प्रोजेक्ट पे काम किया। हमने एक कैंपेन लॉन्च की, और सबसे पहले यूनिवर्सिटी और फिर बाद में कुछ स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिला के हमने इको ब्रिक्स तैयार की, जिसमें हमने पैट बॉटल्स के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि रैपर, स्ट्रॉ, पॉली बैग और स्ट्रॉस को यूज किया। उन इको ब्रिक्स से हमने फर्नीचर का सेट बना के डिस्प्ले किया। अब हम मजीद इको ब्रिक्स इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे और फर्नीचर की भी अपनी रेंज को मजीद ब्रॉड करेंगे। जी बिल्कुल, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप हम बना चुके हैं, एक पूरा सेट हम फर्नीचर का बना के डिस्प्ले कर चुके हैं, और वो न सिर्फ हमने अपनी यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले किया बल्कि कराची फेस्टिवल में भी हमने उसको डिस्प्ले किया था। हमने जो इसकी कॉस्टिंग की है, ये मार्केट से में जो इस तरह का अवेलेबल फर्नीचर है यानी चेयर और टेबल, उसके मुकाबले में लोगों को कम कीमत पड़ेगा। अगर हम इसमें अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रखे भी सेल करते हैं तो तकरीबन 2400 की एक चेयर है, जो कि एक वुडन चेयर के मुकाबले जो मार्केट में अवेलेबल है कहीं कम कीमत है, और ये ड्यूरेबल भी है, सस्टेन करेगी। देखिए, इस प्रोजेक्ट के दो मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात कि जो प्रोडक्ट्स हम इससे बना रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर हो या वो स्ट्रक्चर्स, वो लो कॉस्ट होंगे, ड्यूरेबल होंगे, उसमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उससे बड़ा फायदा ये है कि ये एक जो पाकिस्तान के हर शहरी का जो एक रोजमर्रा का मसला है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये जो हमारी प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर्स होंगी ये उस मसले का हल है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के तरफ एडीए में जितना काम अभी तक मैं कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कुछ हो भी गई है, कुछ आगे भी कर रहे हैं कि हम इसको आगे लेके जाएंगे, मजीद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको और ब्रॉडर लेवल पे लेके जाएंगे। बड़ी तादाद में हम इको ब्रिक्स पे काम बनाएंगे और मजीद बड़े प्रोजेक्ट्स पे इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। मैं जो इनोवेटर्स और हैं जिनके पास आइडियाज हैं, उनको तो मैं यही एडवाइस करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि वो जरूर यहाँ पर आएं, क्योंकि यहाँ आके आपको पता चलेगा कि आपके आइडिया में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, किस तरह से आप उसको बेहतर बना सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने आप उसको इफेक्टिव तरीके से कैसे पिच कर सकते हैं।